ये देखो N1, N2, N3 ये जो क्वेश्चन है नीट में कई बार पूछा गया है, एक नहीं कई बार आया है, और इस टाइप के इसको आपको करने आना चाहिए यार। N1, N2, N3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थ्री सेगमेंट इन स्ट्रिंग डिवाइडेड। अगर स्ट्रिंग है, चलो अभी मैं मान लेता हूँ कि स्ट्रिंग दोनों साइड क्लोज्ड है, अगर ओपन भी मान लोगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जनरल मोड में एन वी अपन टू एल के इक्वल होती है, या एन वी अपन टू एल टी बाई म्यू अंडर रूट। ये अगर स्ट्रिंग दोनों साइड है अटैच है तो जनरल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एन वी टू एल, इतना मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको इसकी जो एक्चुअल लेंथ थी वो तो एल थी यार। अब इसके मैंने तीन पीसेस किए, 1, 2, 3, और ये लेंथ L1, L2, L3 बना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ L की वैल्यू L1 प्लस L2 प्लस L3 के इक्वल तो होगा ही होगा, क्योंकि इसी को काटा हूँ तीन पार्ट में। तो फंडामेंटल द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जब इसकी लेंथ L थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी N थी यार। तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हर एक की, मतलब इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, आपने जो पीस बनाया, आपने L1 पीस बनाया, इसकी फ्रीक्वेंसी N1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी N2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी N3 है। तो N को N1, N2, N3 के टर्म में लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हो, इस क्वेश्चन इस एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी N इज प्रोपोर्शनल टू 1/ लेंथ। यहाँ से देखो, क्योंकि ये टेंशन है सब म्यू कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। तो बड़े आराम से लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि L इज प्रोपोर्शनल टू 1/N। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/N इज इक्वल टू 1/N1 प्लस 1/N2 प्लस 1/N3। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। इस एक्सप्रेशन से ये मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ बड़े आराम से, मतलब ए ऑप्शन सही है, बराबर है।